बस मेरा इतना ही खिताब था। मैं शुक्रिया के लिए हाजिर हुआ हूँ आप तमाम जवानान का, बुजुर्गान का, जो इंतहाई अपने खानदान में, अपने इलाकों में मुअस्सिर हैं, वो तशरीफ़ फरमाए, आप तशरीफ लाए। बिलखसूस अपने मामिलीन का, जिनमें जनाब मलिक मुश्ताक हुसैन जाफरी, मेम्बर डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी, मलिक अब्दुल गफ्फार साहब, निसार अब्बास जोड़ा एडवोकेट, सैयद आवाद अब्दुल्ला शाह साहब, सैयद हाशिम रजा नकवी साहब, सैयद मोहम्मद हसनैन नकवी, सैयद मोहम्मद सकलैन नकवी एडवोकेट, और दीगर जिन्होंने दामे दिर हमें तब में सुख तआवुन किया। इस तआवुन को अल्लाह रब्बुल इज्जत आप ये इबादत की सूरत में कबूल कर रहा है। और फिर मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मियां वाली फरहान मुल्तबा साहब, जो जहाँ सामने तशरीफ़ फरमा थी हमारे क़यादत उनका, और स्टेज पे मौजूद जनाब अल्लामा सैयद कादिर हुसैन नकवी प्रिंसिपल जामिया इमाम खुमैनी वाली इंडस, जनाब मौलाना मंजूर आलम सियामी साहब जो दर्द दिल बयान कर रहे थे, उनका भी शुक्रिया। और साथ ही अपने मियांवाली के हाथ अजीज़ डेप्टी कमिश्नर मियांवाली, ये उस दिन मैंने डिविजनल पीस कमेटी में कहा था, जिस ज़िला का सालार नाम में उमर भी हो, साथ शेर भी हो, अगर तो उस ज़िला की बड़ी बात है। और फिर साथ डी पी ओ मियांवाली हसन भी हो, असद भी हो, और अलरी भी हो, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। और मैं इंतहाई शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि अमन के हवाले से हमारी इतनी मीटिंग हो चुकी है कि अब अमन के हवाले से अगर मीटिंग या इजलास के लिए कहा जाए तो हम एक दूसरे को देखते हैं, तो फिर वही चेहरे वही बातें। और सबसे ज्यादा मैं शुक्र गुजार हूँ इज्जत माब मियाँ वाली की शान, मियाँ वाली की पहचान, और कुर्सी अदालत पे जलवा फगन जनाब जस्टिस अली बाकिर नजफी साहब, जिनका नाम भी खूबसूरत है और जिनका काम तो और ज़्यादा खूबसूरत है। मैं ये नहीं कहता, आपने सुना होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जज साहिबान आए, उन्होंने काम किया, वो फिर अपने औरों से सबकदोश होकर घर चले गए, लेकिन ये भी उस पाकीज़ा घराने की अता है कि आप हाई कोर्ट के जस्टिस बने। जैसे आपका नाम खूबसूरत था, वैसे आपने काम खूबसूरत किया, तो आपके फैसले बोलते हैं। मैं मजीद दुआ हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपको और ताकत जुर्रत हिम्मत कलम में भी और आपके फैसलों में रखे। मैं आप सबका शुक्र गुजार हूँ। मेरा बेटा साहिब मेहंदी एक खूबसूरत कलाम लेके आया था, लेकिन दामन वक्त की गुंजाइश नहीं है, मैं उससे भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम को अपनी गोद में ही रखे। मैं मुल्तमिस हूँ अज़र खान मियानी साहब से कि वो आए और इस मजलिस को आगे बढ़ाए ताकि हम इसे जल्दी से इख्तिताम की तरफ ले जाए। तमाम का शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जिस हस्ती को मैं बुलाने जा रहा हूँ, बुनियादी बात अलामा साहब ने कर दी के नाम में हसन भी है, असद भी है, अलवी भी है। मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम महमद रजा खान अलैह रहमत उर रहमान इंतजार मेहदी रजवी साहब, वो नकी अली के बेटे थे और तकी अली के पोते थे। तो उनका एक शेर के उलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा जनाब हसन असद अलवी सिपा सालार जिला डीपीओ मियां वाली इदारे ख्याल के। कांग्रेस का एहतराम जस्टिस अली बाकिर नकवी साहब और जजार हाईकोर्ट उमर शेख सिफा साहब डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली मोहजर उलमाए कराम हमारे ट्रस्ट से आए हुए भाई
खुदावंद मुन्नान हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं मुंतकिफ हूं सरदारे बिला और वो बेदार बख्त व्यक्ति के मिशकर कि जरा सा भी कोई मसला हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे इन्हें कोई फर्दर पेश करे, उस सिलसिले में ये दो कदम आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करते हैं। जिला के अमन के लिए इनकी बार बार की बैठकें, मीटिंगें इनकी इस अमल की हवाली करती हैं कि ये चाहते हैं कि जिस तरह ये अमन का गुलदस्ता मियाँ वाली में खिलखिला रहा है, ये खिलखिलाता रहे और मियाँ वाली के अमन का पैगाम पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को जाता रहे, ताकि मियाँ वाली जो है वो जिस तरह मियाँ वाली को मुल्क में एक नुमाया हसीयत हासिल है, आलम इस्लाम के लिए भी मैसेज जाए। मैं मुंतमिस हूँ डॉक्टर उमर शेख चट्ठा इज्जत वाहब डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली से कि वो यहाँ पर आए और अपने घर इतिहास बताए। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, तमाम हमारे उलमाए दीन, हमारे अफसरान साहब की भाई उपरा मुलिन शहर हाजिरी महफिल, तमाम छोटे बड़े अस्सलाम वालेकुम। देखिए चंद दिन पहले भी हम 14 अगस्त को इधर इकट्ठे हुए, पाकिस्तान पे बात हुई, उस पाकिस्तान की मजबूती, उसकी आज़ादी पे बात हुई। इस मुल्क जिसने हमें आज़ादी दी, कितनी आज़ादी दी कि आज हम अपना दीन, अपनी मजहबी रसूमात, अपने हर तरह के माशरे में किरदार, कारोबार, सियासत, समाजी काम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और इन उलमाए दीन जिनको मानने वाले हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, वो आज इनका मैसेज सुने और इनके मैसेज से अपने जहन पे उन पे ये शऊर, ये पैगाम उन तक जाए कि इनमें कोई इस तरह का फर्क नहीं कि ये एक दूसरे के खिलाफ नफरत उठा लें। तो किस तरह लोग फिका की सही या गलत इंटरप्रिटेशन करके एक दूसरे के खिलाफ माशरे में नफरत फैलाएंगे। तो हमने वो फैलती हुई नफरत को कम करना है, जो कि इस अमन की कॉन्फ्रेंस के जरिए, इस अमन के झंडे के नीचे जिसमें तमाम आज इकट्ठे हैं, इसको इकट्ठा रहने दें। अगर फिर भी वो अमन का पैगाम जो हम प्यार से, मोहब्बत से, दिलाई और सुबाई अमन कमेटियां, रीजनल अमन कमेटियों के पैगाम से अगर टाइम नहीं हो पाएगा तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लाजमी अपना रास्ता लेंगे। उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ तलकीन करेंगे, तबलीग करेंगे। हम अगर कोई उसका अमल दरामद नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता लाजमी लेगा, क्योंकि वो हमारा फर्ज है डीपीओ साहब का, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का और फोर्सेज का, फिर वो अपना रास्ता लेंगे। इतने बड़े बड़े उलमाए दीन के पास मैं बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। आप सब लोगों का पिछले बहुत सारी दहाइयों से बड़ा अच्छा किरदार रहा, क्योंकि हर मुहर्रम से पहले, ईद से पहले तमाम मदारों की आप तारीखें निकाल के देखते हैं तो बहुत कम नाम होने के बराबर हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जो मियाँ वाली की तारीख में हम कह सकें कि इस तरह के वाक़े मुकम्मल हुए। मगर उसके बावजूद गवर्नमेंट की हदायात के मुताबिक हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तो हेल्थ की तैयारियाँ हों, एमरजेंसी सर्विसेज की हों, म्यूनिसिपल सर्विसेज हों, बिजली के अदारे मुआवजा की हों, टेलीफोन की हों, खास अदारों की हों, सब लोगों की अपनी तैयारी मुकम्मल है। और आप सब से पहले भी रुका बन रहा है, इंशाल्लाह दोबारा भी हमेशा रहेगा। हम सब का बहुत बहुत शुक्रिया।
हुसैन शाह साहब तीन शेरों के साथ सुभाष को हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन इनका हुसैन उनका वो खुशकियों का समंदरों का वो सूफियों का कलंदरों का हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता नबी की सुन्नत अयां न होती खुदा के घर में अदा।